क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट? यूजिंग द लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट शो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द टू मीडिया आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इस क्वेश्चन में हमको रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के फिनोमेना को एक्सप्लेन करना है और ये प्रूव करना है कि दो मीडियम्स हैं, उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपस में इनवर्सली रिलेटेड होती हैं। तो यू कैन सी एट द डायग्राम, अ लाइट इज पासिंग फ्रॉम मीडियम वन एंड रीचिंग टू द मीडियम टू आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, लाइट रे थोड़ा सा टुवर्ड्स द नॉर्मल जा रही है, तो मीडियम वन रेयरर है, मीडियम टू डेंसर है। अब ये लाइट रे चली तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है आई मीडियम वन में, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है आर मीडियम टू में, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया मीडियम टू में और लाइट रे बेंड होके नीचे की ओर आ गई। जब ये लाइट रे नीचे बेंड होके रिफ्रैक्शन हो गया तो हम स्नेल्स लॉ का यूज करें तो ए और इंसिडेंट रे उसके रिस्पेक्ट में अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम टू निकालें विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, तो फॉर्मूला लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में लिखें तो वी वन इज द स्पीड इन मीडियम वन और वी टू इज द स्पीड इन द मीडियम टू है लाइट की, तो वी वन अपॉन वी टू इक्वेशन वन आ गई। अब हमने क्या किया, एक प्लेन मिरर को लगा दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिफ्रैक्ट, अब हमने एक प्लेन मिरर को लगा दिया रिफ्रैक्टेड रे के रास्ते में, और इस तरह से लगाया कि वो 90 डिग्री के एंगल पर है, यानी नॉर्मली प्लेस कर दिया प्लेन मिरर को। तो जैसे ही रिफ्रैक्टेड रे प्लेन मिरर से टकराएगी वहां पे रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होगा और लाइट रे वापस उसी रास्ते से होती हुई मीडियम वन पे चली जाएगी। तो जब लाइट रे मीडियम टू से मीडियम वन में रिवर्स होगी तो रिफ्रैक्शन अब मीडियम टू से वन की ओर होगा और हम मीडियम वन की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आर हो जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आई कहलाएगा। तो देखिए इक्वेशन लिखी हुई है राइट हैंड साइड पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू टू इज इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई, डेट इज वी कैन राइट वी टू अपॉन वी वन इक्वेशन टू। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और टू म्यू वन इंटू वन म्यू टू का रिजल्ट वन आ जाएगा, यानी कि दो मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का प्रोडक्ट वन है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन इज इक्वल टू वन अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू टू आ गया। तो मीन्स ये दो मीडिया की रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस आपस में इनवर्सली रिलेटेड हो गई। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन इज ड्रॉ रे डायग्राम टू शो लिटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब एंड आंसर द फॉलोइंग। हमें एक ग्लास स्लैब के थ्रू लिटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट दिखाना है और ये आंसर्स को बताना है। पहला पार्ट है डिफाइन दिस फिनोमेना, यानी लिटरल डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करेंगे। सेकेंड पार्ट है राइट द फैक्टर्स ऑन विच दिस लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स। तीसरा पार्ट है किस कलर के लिए, विच ऑफ द कलर शोज द लाइट लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम एंड फॉर विच कलर इट इज मिनिमम, हमें रीजन के साथ लिखना है। फोर्थ पार्ट है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ एमरजेंस इन दिस केस। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक डायग्राम बनाएंगे, लेफ्ट पे बने डायग्राम को देखिए। सबसे पहले आप एक ब्लॉक रख लेंगे, ग्लास स्लैब, जिसको हमने नाम दिया है पी क्यू आर एस। एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर बनाइए। उसके बाद आप एक इंसिडेंट रे बनाएंगे जो कि यहां पे रेड कलर से मार्क की गई है। इंसिडेंट रे देखिए गिर रही है एओ, जो कि रेड कलर से मार्क्ड है। जहां पे ये टकराएगी ओ पॉइंट वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। वहां से एक नॉर्मल बना लेंगे एनएम, जो डॉटेड लाइन से इंडिकेट किया गया है, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस बना देंगे आई। जैसे ही लाइट रे एयर से ग्लास में आएगी, तो क्योंकि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है ग्लास, तो लाइट रे टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ब्लू कलर से जो लाइट बनाई गई है ओ बी डायग्राम के अंदर, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है, और इस लाइट रे को कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ये रिफ्रैक्टेड रे जब वापस फिर से एयर की ओर आएगी तो अब रिफ्रैक्शन होगा ग्लास से एयर में, और क्योंकि लाइट रे अब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो ये फिर से अवे द नॉर्मल निकलेगी। तो अब जो लाइट रे बाहर निकल के आएगी बी सी,
ये ग्रीन कलर से बनाई गई है, इसको बोलते हैं एमर्जेंट रे। और यहाँ पे फिर से नॉर्मल बनाएंगे, डॉटेड लाइन N1 M1 और नॉर्मल और एमर्जेंट रे के बीच के एंगल को बोलते हैं ई एंगल ऑफ एमर्जेंस। नाउ यू कैन सी लाइट रे जो कि इंसिडेंट रे थी, जब वो पहले बार एयर से चलती है और आफ्टर रिफ्रैक्शन जब एज ए एमरजेंट रे बाहर निकलती है तो वो अपने रास्ते से लेटरली डिस्प्लेस हो गई। इसको पता लगाने के लिए हम इंसिडेंट रे को डॉटेड वे में आगे की ओर बढ़ा देंगे, जो येलो कलर की एक इंडिकेशन से आगे की ओर ड्रॉ किया गया है। तो आप देखेंगे ये दोनों लाइट रे पैरेलल हो जाएंगी। कौन सी दोनों लाइट रे? इंसिडेंट रे एक्सटेंडेड और एमरजेंट रे। इन दो पैरेलल लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स वाई है, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? तो देखिए, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए पैरेलल साइड ग्लास ब्लॉक, इंसिडेंट रे एंड एमरजेंट रे बिकम पैरेलल और पैरेलल बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। व्हाट हैपेंस? एमरजेंट रे इज लेटरली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे। Then the perpendicular distance between the emergent ray and the incident ray is called lateral displacement of light, जो कि ग्लास स्लैब में हो रहा है। और इस कंडीशन में क्योंकि incident ray और emergent ray parallel तो हैं, तो angle of incidence will always be equal to angle of emergence होगा। Clear? सेकेंड पार्ट में आते हैं। अब ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस बातों पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर्स मेनली। पहला है थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। जितना ज़्यादा थिक ग्लास स्लैब होगा, ग्लास ब्लॉक होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। सेकेंड पार्ट आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ग्रेटर विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ग्रेटर विल बी द लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट। और तीसरा फैक्टर आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर होगा अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास या कोई भी मीडियम ज़्यादा है। और ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या यूज़ की गई है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो जाता है अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो, और लेटरल डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर होगा कब? जब वेवलेंथ ऑफ द लाइट डिक्रीज हो रही हो, यानी कम हो। तो अगर वॉयलेट कलर की लाइट और रेड कलर की लाइट आ रही है, तो एज वी नो रेड कलर में वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो रेड कलर के रिस्पेक्ट में लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा। जबकि ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होती है, तो उसके रिस्पेक्ट में लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। इसलिए ब्लू कलर की लाइट या वॉयलेट कलर की लाइट ज़्यादा बेंडिंग शो करेगी, ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट शो करेगी एज कंपेयर टू द रेड कलर। थर्ड पार्ट आया जो अभी डिस्कस किया आपने, तो देखिए उसी से कॉन्क्लूजन आ गया। लेटरल डिस्प्लेसमेंट विल बी मोर फॉर द वॉलेट लाइट एज कंपेयर टू रेड लाइट। कॉन्क्लूजन कहाँ से आया? क्योंकि वेवलेंथ ऑफ द वॉलेट लाइट इज मिनिमम एंड फॉर द रेड लाइट इज मैक्सिमम। तो वॉलेट कलर की स्पीड भी कम होती है, रेड कलर की स्पीड भी ज़्यादा होती है, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट वॉलेट में ज़्यादा होगा और रेड में कम होगा। और चौथे पार्ट का आंसर पहले भी डिस्कस किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ एमरजेंस।